बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदोस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती ब्यूटी तो दिखाते हैं, लेकिन आप हिंदुओं के मुकद्दस जगहों को नहीं दिखाते, हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं वो नहीं दिखाते, या अगर वो पाकिस्तान के अंदर हैं तो हमें ज़रूर दिखाएं। तो फ़िलहाल मैं इस्लामाबाद के टूल प्लाजे के ऊपर ठहरा हुआ हूँ मोटरवे के ऊपर, और यहाँ से सीधा लाहौर की तरफ रास्ता जाता है और एक पेशावर की तरफ जाता है। तो मैं फ़िलहाल लाहौर की तरफ सफ़र करने वाला हूँ और वहाँ पर आपको हिंदुओं के मुकद्दस जगहें दिखाने वाला हूँ, और जो बहुत ही पुरानी हैं, बहुत कदीमी हैं, तो वो दिखाता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, एक घंटे का सफ़र करने के बाद कलर का हार कयामत अयाम पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं मोटरवे के ऊपर। अभी यहाँ से कलर का हार इंटरचेंज आएगा आगे से, वहाँ से हम लेते हुए सीधा श्री कटास राज टेंपल्स का विज़िट करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ कलर का हार इंटरचेंज से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, और आगे तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद श्री कटास राज का जो टेंपल्स बने हुए हैं हम वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितने पुराने टेंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। कलर का हार रोड से मतलब बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन हम मोटरवे से जब उतरे हैं तो 20 मिनट के अंदर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। श्री कटास राज, इसका महाभारत के अंदर भी बहुत सारा जिक्र दिया जाता है। तो फिलहाल इसके गेट के ऊपर आए हुए हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और पूरा विजिट करवाते हैं इसका। हम पहुँच चुके हैं अंदर, और हमारे साथ हैं सगीर भाई, और ये जो है ना हमें यहाँ का विज़िट करवाएँगे और बताएँगे इस इलाके के हवाले से, और यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं उनके बारे में हमें बताएंगे। और यहाँ पर इन भाई ने कहा है कि एक मंदिर जो है ना आबाद है, वहाँ पर हिंदू वगैरह भी आते हैं, उसके अलावा यहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद भी आती है देखने के लिए। तो सगीर भाई, आप ये बताएं मुझे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी। ये अच्छा सर, जहाँ पे आप आएँ श्री कटास राज, लफ्ज़ कटास का जो मीन्स है रोती हुई आँख या बरसती आँखें, ये सामने झील है, ये शिव भगवान का आंसू बोलते हैं हिंदू मज़हब में, शिव इनका तीसरा बड़ा गॉड है। कहते हैं जब शिव की बीवी सती की डेथ होती है तो शिव उसके गम में रोता है, तो उसी आँख से दो बुद्ध आंसू गिरते हैं आकाश से, आकाश कहते हैं आसमान को। एक यहाँ पर गिरता है आंसू, एक पुष्कर राज इंडिया में है अजमेर के पास, एक वहाँ पर गिरता है। ये दो आंसुओं से दो नयाब चश्मे जारी होते हैं। यात्री साल में दो मरतबा इंडिया से आते हैं और पाकिस्तान से रोज़ आते हैं, और इसके अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं और कहते हैं हमारे पाप धुल गए, हमारे गुनाह साफ हो गए। ये उनका मजहबी तालाब है, ऐसे अमरकुंड, वेशकुंड, चमरकुंड मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। कटास के साथ जो हिस्ट्री है, ये 300 साल कबल हज़रत मसीह, जो महाभारत बुक लिखी गई है हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, उसमें कटास का जिक्र मौजूद है। ये कटास दुनिया का दूसरा बड़ा मकाम है हिंदू मज़हब का, एक मंदिर में एक्टिव है, बाकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सारे आपको खोल के दिखाएंगे, साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको गाइड करेंगे।
अच्छा जी, ये मंदिर के ऊपर आए हुए हैं फिलहाल, तो ये दिखाते हैं भाई से, पूछते हैं इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी। ये इनका शिव स्टोन है, इस पर दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, भजन गाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं। स्टोन 5,500 साल पुराने है, इसकी वजह से दुनिया का दूसरा बड़ा मकान हासिल होती है। दोनों साइड पर तस्वर लगे हुए हैं, इस तस्वर के ऊपर लफ्ज़ ओम लगा हुआ, ओम के मैंने परमात्मा शक्ति ताकत जैसे कहते हैं। इसके जो तीन स्टेप में वो कहते हैं दुनिया में के तीन गॉड है जो दुनिया को चला रहे हैं, पहले इनका ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश। महेश बेसिकली शिव को बोलते हैं। ये आरती की थाली है, सास सुदूर है, तस्वीर में शिव है, साथ में सती है, साथ में बड़े गणेश है। कोई क्वेश्चन है तो ये क्या चीज़ है भैया? और ये सर इनका बारादरी हवन कुंड बना हुआ, बारादरी मीन्स बारह दरवाजे और हवन का मीन्स आग की पूजा, इसके अंदर हवन होता है, आग की पूजा होती है। अच्छा, ये जब हिंदू आते हैं यहाँ पर तो फिर वो करते हैं यहाँ पर हवन होता है सर यहाँ पे। अच्छा, हर साल होते हैं या पाकिस्तान से भी जो लोग यात्री आते हैं वो भी हवन करते हैं, इंडिया से भी आते हैं वो भी हवन करते हैं। अच्छा, हवन होता है सही। अच्छा सगीर भाई, ये मुझे बताएं कि ये मंदिर कितने साल पुराने हैं? मंदिर सर 2,500 से 5,700 साल तक पुराने मंदिर हैं। अच्छा ठीक है, ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले महाभारत बुक लिखी गई है, उसमें कटास का जिक्र मौजूद है। अच्छा, तो हमको हिस्ट्री बता रहे हैं ये महाभारत बुक से ले गई है सारी। इंडिया से जो यात्रा करने के लिए आते हैं वो बासानी आ सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर, वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक है, उनको एनओसी मिलती है, वो आते हैं साल में 2 मरतबा, दिसंबर और मार्च, तो त्यौहार होते हैं उनके यहाँ पे, तो उसमें आप अपने मजदूर रस्मत अदा करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा सही सही। अच्छा जी, हम ऊपर पहुंच गए हैं थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये जिस मंदिर के ऊपर हम आए हुए हैं ये कौन सा मंदिर है? ये सर इनका हनुमान मंदिर है, हनुमान दिस मंकी गॉड, दिस गॉड ऑफ जेब बजरंग बली के नाम से पुकारते हैं इसको। जितना भी पत्थर लगा है इस बिल्डिंग के अंदर से कंजूर स्टोन बोलते हैं, ये सारा समंदरी पत्थर है। इसके साथ अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल है पत्थरों में, इसमें दालें, इमली का पानी, जो हड्डियाँ, चूना, मट्टी, ये चीज़ें पीस कर लगाते रहे उस दौर में। इसे आम जबान में खिंगर, उर्दू में से कंजूर और इंग्लिश में से कोरल फोसल कहते हैं। ये सर की गुफाएं जहाँ पे तपस्या करते रहे, चिल्ले काटते रहे, और ये इनका मंदिर है जहाँ पे हनुमान का स्टैचू रख के पूजा करते रहे। मंदिर के हिस्से में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो ओरिजिनल है, एक हिस्सा रेनोवेटेड है। 2006 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसके दोबारा से रेनोवेशन किया। अच्छा जी, एक और मंदिर के ऊपर पहुंच गए हैं, भाई से पूछते हैं कि ये इसकी क्या तारीख है? सर ये श्री राम मंदिर है, ये जो श्री कैलाश बोलते हैं एज ऑनर, जैसे आप मोहतरम जनाब हजरत कहते हैं, हिंदू मजहब में श्री कैलाश बोला जाता है। चंद्र का मतलब है चांद, राम का मतलब है भगवान, वो कहते हैं चांद जैसा भगवान। जो लाल स्टोन लगा जो मौलिया पीरियड में दोबारा से लगे, इसके अंदर सेवन रूम है, हर रूम के अंदर रूम है। हिंदू अकेदे में उनके विष्णु भगवान का सातवां जन्म है, सातवां उतार है, इसलिए इसको 7 कमरे बने हुए। ऊपर से 5 हाल हैं, तो मुगल दौर में रिहाज के तौर पर इस्तेमाल हुए और हिंदू अकीदे में भजन गाने के तौर पे। छत पे इसके मंदिर है जहाँ पे कोबरे की पूजा होती है, स्नेक की, जैसे शंकर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं। ये सारी बिल्डिंग चुंदर पत्थर से बनी हुई है, ये सारा पत्थर सैंडस्टोन लगा हुआ है। और ये सर सतगढ़ के मंदिर हैं, जो सत का लफ्ज़ बोलते हैं, सच और गढ़ का मतलब है एक साथ मजमुआ। अच्छा जी, ये मुझे बताओ यहाँ पर इस तरह के मंदिर कितने हैं टोटल? ये टोटल ये हिस्टोरिकल मंदिर हैं, ये 164 कनाल का रकबा है, जिसके अंदर ये सारे तारीखी मंदिर हैं। ये 26 मंदिर बनते हैं छोटे छोटे बुला के, बड़े जो मंदिर हैं वो 4 हैं टोटल में, जैसे शिव मंदिर है, हनुमान है, राम मंदिर है, सतगढ़ा मंदिर है, इस तरह की सतगढ़ा मंदिर ये। नहीं अच्छा, इस तरह के मंदिर मैंने और भी देखे हैं छोटे पहाड़ों के ऊपर जो बने हुए हैं। ये कटास, ये सर जो इलाका रहा है ना, ये पार्ट से पहले हिंदुओं का गढ़ रहा है। अच्छा, पार्ट से पहले यहाँ पे हिंदू आबादी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए तो तब वो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया गई। अच्छा, आस पास हिंदू आबादी बहुत ज्यादा रही है पहले। तो मतलब यहाँ पे अभी टोटल बड़े 4 हैं और छोटे बहुत सारे। छोटे बहुत सारे। चलो जी,
आए जी आगे चलते हैं। ये हमने बिल्डिंग्स देखी हैं और देख के बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। और अभी तक मतलब इस तरह के कल्चर इन्होंने रखे हुए हैं और कुछ मंदिर आबाद भी हैं यहाँ पर। अच्छा जी, मंदिर्स को देखा है हमने। देखने के बाद ये सारी बहुत सारी यहाँ पे मतलब आपको बिल्डिंग्स भी मिल जाती हैं और हिंदू लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस मकाम है। 8:30-9 बजे ये ओपन हो जाता है सुबह, और शाम के 5 बजे तक सर्दियों में, और गर्मियों के अंदर 6 बजे तक ये ओपन रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मकामात बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तारीखी हवाले से ये मकामात, तो आप यहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं। मुसलमान भी विज़िट करते हैं और हिंदू भी यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो आप आ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।